नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अलाउद्दीन खिलजी व रावण रतन सिंह के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का है वो अध्ययन है वो करेंगे। इससे पहले कल के वीडियो में हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के क्या क्या कारण थे, उनका हमने गहन अध्ययन वो किया था। अब बहुत से कारण कल अपने पढ़े, जिनमें साम्राज्यवादी नीति, मेवाड़ की बढ़ती शक्ति, चित्तौड़ का भौगोलिक सामरिक महत्व और रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा, इसका हमने अध्ययन है वो किया था। तो देखिए, अगर मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत पर विश्वास किया जाए तो रावण रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था राघव चेतन। रतन सिंह द्वारा राघव चेतन को अपने दरबार से निकाल दिया और निकाले जाने के बाद राघव चेतन सीधा अपने अपमान का बदला देने के लिए दिल्ली पहुंचा और उसने दिल्ली जाकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी का सारा वृतांत वो बताया था और अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए प्रोत्साहित भी किया था। जैसे कि पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन ने 8 वर्ष तक घेरा डाला, लेकिन जब वह सुल्तान चित्तौड़ को नहीं जीत पाया तो उसने रावण साहब रतन सिंह जी के सामने प्रस्ताव भेजा कि उसे पद्मिनी का प्रतिबिंब परछाई ही दिखाई दी जाए, उनको देखकर वह वापस दिल्ली लौट जाएगा। रावण रतन सिंह ने अपने मंत्रियों के साथ परामर्श किया और इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दर्पण में जब पद्मिनी का प्रतिबिंब देखा और प्रतिबिंब को देखकर जब अलाउद्दीन वापस लौट रहा था तो उस समय रतन सिंह को है वो छल कपट से अलाउद्दीन ने कैद कर लिया। पर वीरांगना रानी पद्मिनी ने रावण रतन सिंह जी को छुड़ाने की योजना बनाई और पद्मिनी ने अलाउद्दीन के पास अपनी 1600 सहेलियों के साथ आने का प्रस्ताव है वो भेजा। प्रस्ताव स्वीकार हो गया और पद्मिनी अपनी सहेलियों के साथ पालकियों में राजपूत योद्धाओं को बैठाकर रवाना हुई और दिल्ली के पास पहुंचकर शाही हरम में शामिल होने से पहले पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी से एक इच्छा प्रकट की और कहा कि उन्हें रावण साहब से मिलने दिया जाए। और जब रावण रतन सिंह और पद्मिनी आपस में मिले तो उसी समय राजपूत योद्धा सुल्तान अलाउद्दीन की सेना पर टूट पड़े और उन्होंने
रावण रतन सिंह को सुरक्षित चित्तौड़ ले आए। अलाउद्दीन को छल का पता लगा तो उसने ससैन्य राजपूतों का पीछा किया और उनसे लड़ते हुए रतन सिंह और उनके वीर सेनानायक गोरा सिंह व बादल सिंह वीरगति को प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी ने जौहर का अनुष्ठान है वो किया था। ये केवल मलिक मोहम्मद जैसे के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार ही हैं। इसके अलावा इतिहासकार मानते हैं कि 28 जनवरी 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से रवाना होकर चित्तौड़ पहुंचा। चित्तौड़ का सुदृढ़ मजबूत श्रेष्ठ दुर्ग चित्तौड़ जीतना अलाउद्दीन के लिए आसान नहीं था। उधर रावण रतन सिंह के वीर राजपूत योद्धा चित्तौड़गढ़ दुर्ग से ही दुश्मन पर गोले पत्थर बरसा रहे थे, मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, और जिसके कारण 2 माह तक भी घेराबंदी की गई चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की सेना को कोई सफलता नहीं मिली और ऐसी स्थिति में सुल्तान को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और उसने दुर्ग की दीवार के पास ऊंचे ऊंचे चबूतरे बनवाए और उन पर मंजनिक नामक यंत्र तैनात करवाए और उस मंजनिक से मजबूत दुर्ग चित्तौड़ की दीवारों पर पत्थर और गोले बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन दुर्ग की दीवारें बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई। अलाउद्दीन खिलजी भी परेशान हो गया था। इधर लंबे घेरे के कारण दुर्ग में खाद्यान्न सामग्री की भी कमी होने लगी थी। प्राचीन काल में क्या होता था कि कोई भी आक्रमणकारी जब आक्रमण करने के लिए आता तो वह अपने सामने वाले व्यक्ति या शासक को चारों तरफ से घेरता, दुर्ग में घेरता और लंबे समय तक साल-साल दो-दो साल तक घेरा रखते ताकि वह खाद्यान्न की कमी से, पानी की कमी से युद्ध न लड़ सके, कमजोर हो जाए और दुश्मन उस पर आसानी से विजय प्राप्त कर सके। अब ऐसी स्थिति में जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी खाद्यान्न सामग्री कम होने लगी और चारों तरफ सर्वनाश दिखाई देने लगा तो ऐसी स्थिति में रावण रतन सिंह और उनके राजपूत वीरों ने केसरी वस्त्र धारण कर भूखे शेर की भांति खिलजी की सेना पर डोल पड़े। किले के द्वार खोल दिए और इस भीषण संघर्ष में रावण रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुई और उधर पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़ में अन्य महिलाओं ने जौहर किया। इसे चित्तौड़ का प्रथम शाखा के नाम से जाना जाता है। इस तरह 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया।
अगले दिन सुल्तान ने अपने सैनिकों को आम जनता के कत्लेआम का आदेश दे दिया। गुस्साए खिलजी ने लगभग 30,000 असहाय लोगों को मौत के घाट उतार दिया। खिलजी के इस अभियान में उनका प्रसिद्ध दरबारी अमीर खुसरो, जिसने खजाइन उल फुतुहा तारीख अलई पुस्तक में इसका वर्णन है, वो लिखा था, अलाउद्दीन खिलजी इस विजय से उत्साहित हुआ, लेकिन वह रानी पद्मिनी को प्राप्त नहीं कर पाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अब चित्तौड़ दुर्ग का कार्यभार अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया, और खिजर खां को सौंपने के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम परिवर्तित करके खिजराबाद एवं कर दिया गया था। खिजर खां ने गंभीरी नदी पर एक पुल का निर्माण करवाया और उसने चित्तौड़ की तलहटी में एक मकबरा बनाया और इस मकबरे पर एक लेख लिखवाया और उस लेख में अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक कहा गया था। तो इस तरह चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया और राजपूतों को भारी क्षति उठानी पड़ी और यह सिलसिला काफी लंबे समय तक चला था। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें ध्यान रखना है कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा किस शासक के काल में हुआ था, तो हमारा उत्तर होगा चित्तौड़ के रावण रतन सिंह के काल में। इस साधे की प्रसिद्ध जोड़ी गोरा सिंह व बादल सिंह। फिर है चित्तौड़ के प्रथम साके 1303 में रतन सिंह की किन रानियों ने 1600 महिलाओं के साथ जोर किया, तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में रानी नागमती सहित 1600 महिलाओं ने जौहर किया था। प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि चित्तौड़ के प्रथम साके 1303 में कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार मौजूद था, तो कौन था? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतुह में तारीख अलाई में इसका वर्णन है वो किया है। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी की विजय के बाद यह दुर्ग सुल्तान अलाउद्दीन के अधीन चला गया और रावल वंश का यहीं पर है वो अंत हो गया। इसके बाद में राणा हमीद के काल में पुनः चित्तौड़ पर अधिकार किया गया और यहाँ पर सिसोदिया राजवंश की वो स्थापना हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी व रावण रतन सिंह के मध्य संघर्ष की जानकारी हमें एक प्रमुख स्रोत से मिलती है,
और उस कवि का नाम था मलिक मोहम्मद जैसी, और उन्होंने पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। पद्मावत पुस्तक उन्होंने शेरशाह सूरी के काल में 1540 ईस्वी में लिखी थी, जबकि यह घटना 1303 ईस्वी की थी। पद्मावत पुस्तक को विभिन्न विद्वान अतिशयोक्तिपूर्ण भी मानते हैं, और उसमें कुछ हेरफेर की भी है, वो जानकारी भी है, वो बताते हैं। और आधुनिक इतिहासकार जो है वे पद्मिनी की कहानी की ऐतिहासिकता को स्वीकार वो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह रावण अपन से वीरगति को प्राप्त हो गए और अलाउद्दीन खिलजी का वो निगारण हो गया। अगर प्रश्न पूछे कि राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ था, तो ध्यान रखना 1301 ईस्वी में रणथंभौर के शासक हमीर देव के काम, और जौहर किया था उनकी पत्नी रंगदेवी, लेकिन वो जल जौहर था और यह है वो अग्नि जौहर के नाम से जाना जाता है। शाखा में केसरिया और जौहर दोनों होते थे। राजपूत वीर केसरिया वीरता का वस्त्र धारण कर युद्ध भूमि में जाते थे, जो केसरिया का लगा, और उनकी मृत्यु का समाचार मिलने पर उनकी रानियां अग्नि में जल में कूद कर अपने सतीत्व की रक्षा करती थी, तो वह जौहर के नाम से जाना जाता था। केसरिया और जौहर दोनों ही शाखा के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।